तो आप आज इस वीडियो में देखेंगे मुंबई ट्रिप का मेरा पहला दिन, जो कि मैंने स्पेंड किया काफी सारी अच्छी जगह देखने में। और अपने पहले दिन की शुरुआत मैंने की सिद्धि विनायक दर्शन के साथ। एंड यहाँ मुझे लगना पड़ा इस लंबी लाइन में, बिकॉज इट वॉज संडे एंड संडे को काफी रश रहता है। एंड फाइनली मुझे दर्शन हुए मेरे फेवरेट भगवान गणपति बप्पा के। एंड फोटोग्राफी वॉज नॉट अलाउड इन साइड, तो मैंने आप लोगों के लिए ये फुटेज शूट किया, तो आप भी दर्शन कर लो। ऐसे स्क्रीन्स मंदिर के बाहर लगे रहते हैं और ये ग्रुप देखो जरा, है ना मस्त, और ये मैं इनसे भी ज़्यादा मस्त। एंड मंदिर की लाइन में लगने के बाद मुझे लगना पड़ा इस शौचालय की लाइन में, बिकॉज प्रेशर बहुत ज़्यादा था, फवारा बस छूटते छूटते बचा। एंड आफ्टर सिद्धि विनायक आई हेडेड टुवर्ड्स द महालक्ष्मी टेम्पल, और वहाँ जाने के लिए मैंने कैब बुक की, एंड दिस इज़ द मुंबई। एंड देन फाइनली आई रीच महालक्ष्मी टेम्पल। यहाँ तो और भी तगड़ा रश था, एंड फोटोग्राफी आप कैमरा नहीं निकाल सकते हो सर बाहर। तो महालक्ष्मी दर्शन के बाद मैं बढ़ा हाजी अली दरगाह की तरफ, और ये मैंने पहली बार देखा कुछ ऐसा, कितना सही लग रहा है ना। तो हाजी अली दरगाह महालक्ष्मी से सिर्फ 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है, और समुद्र के बीचों बीच कितना खूबसूरत लगता है ये। और बाहर ये कुछ स्टॉल्स लगी रहती हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ से। और ये देखिए जनाब, समुद्र में भी गुटखा बेचा जा रहा है, धन्य हो। मुझे लगता है कुछ टाइम बाद स्पेस में भी बेचा जाएगा उल्का पिंड गुटखा। और ये है मेन दरगाह, और ये कारीगरी देखिए आप जरा। एंड बाहर आकर आप ये कवाली का लुत्फ उठा सकते हैं। और इतनी सारी पूजाओं के बाद मैंने की पेट पूजा, और मैं चढ़ा मुंबई की बेस्ट बस में। And this building was really beautiful. And yes, CST railway station. इसका night view आप देखेंगे next vlog में. And here I left the bus क्योंकि मुझे देखना था Gateway of India. And finally here it is. और यहाँ पे लिखा हुआ है दरवाजा कैसे बना था, तो पॉज करके पढ़ लेना इसको। एंड दिस इज द शिवाजी महाराज स्टैचू विच इज इन जस्ट फ्रंट ऑफ द गेटवे। और शिवाजी रोज इनको देख के शर्मिंदा होते रहते हैं। एंड आप जानना चाहेंगे मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, वेट बताता हूँ ऐसे। सो आई टुक दिस फेरी राइड which cost me around 90 rupees. And यहाँ ऊपर बैठने के लिए मैंने दिए 10 rupees extra. So in this way it cost me 100 bucks. And I was literally enjoying my ride. ये है हमारे पोपाइजा सेलरमैन कप्तान साहब, और ये कुछ इतने बड़े बड़े जहाज शिप्स खड़े रहते हैं, शायद कंसाइनमेंट शिप्स हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस, लग रहा है ना ऐसा कि तालाब में हंस खड़ा है। सीरियसली तो इतना चक्कर लगाने के बाद हम चल दिए अपने स्टैंड की तरफ। और ये देख लो साइड व्यू गेटवे ऑफ इंडिया का, शायद ही आपने कभी देखा हो, तो आज मैंने दिखा दिया है, बस अब थैंक्स मत बोलना ओके। और यहाँ मैंने टाटा किया फेरी को, एंड आई हेडेड टू माय फ्लैट, एंड आई टुक दिस ब्लैक टैक्सी, एंड नियरेस्ट स्टेशन वॉज चर्च गेट। And the taxi wala cost me 20 rupees because it was a pooling taxi. And this is the church gate station. और ये आगे local, बस इसमें बैठना है, घर जाना है। तो
आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे बाकी जगह जो मैंने एक्सप्लोर की सेकंड डे में। और अगर अभी तक आपने मेरा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, तो जाओ देख लो। और ये वीडियो जरा लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो कर ही देना। ठीक है, बाय।